Dear students, today we will discuss toxins and reproductive or developmental effects, like the effect of toxins on reproductive or reproduction and health, or basically other topics which may endocrine and obesity. Isko bhi aaj inshallah discuss karenge. Thiamine oxide, basically thiamine oxide is used as a sterilizer, used or a heat sensitive medical items may, or different surgical instruments may, like other objects jinka contact biological tissues may, like through breathing inka exposure hai, or basically iski wajah se increase ho rahe hai chances of abortion ke preterm or post or birth. अदर में एनेस्थेटिक गैसेस और एनेस्थेटिक गैसेस भी मिलाएंगे उनकी बॉडी में, अगर हम कह रहे हैं कि वो थ्रू ब्रीथिंग इनका बेसिकली है, और ये भी बेसिक वेटनरी केयर में, और लाइक ये किस अगर हम फील्ड में इनकी डोमेन में यूज हो रहे हैं, इनकी वेटनरी केयर में यूज हो रहे हैं, और मेडिकल सेटिंग्स में है, और बेसिकली इसमें एक्सपोजर है कि बेसिकली ये ऑक्यूपेशनल इसका एक्सपोजर है, और ये बेसिकली रिस्क में कौन है, इसकी वजह से टारगेट पॉपुलेशन क्या है, नर्सिस है, फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, और ये डिफरेंट लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, इनके टारगेट में है, इनकी रिस्क में है, ठीक है, और इसमें लाइक इसकी वजह से इबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं. डिफरेंट ड्रग्स हैं जिसमें अगर कीमोथेरेपी में ड्रग्स भी यूज हो रही होती है, इनके नेम लाइक एंटीनोप्लास्टिक ड्रग्स कहते हैं, और बेसिकली क्लास किसकी है, कीमोथेरेपी ड्रग्स जो ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट में यूज हो रही होती है, इनका एक्सपोजर किस लाइक नर्सेस में हो रहा है, और अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिनकी डील कर रहे हैं इन मेडिसिन के साथ, उनकी वजह से उनमें क्या हो रहा है, अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है, और लो बर्थ में लेके बेसिकली हम प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉक्सिन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने मर्करी और लेड और लाइक पेस्टिसाइड्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, लेके भी अदर थायलिन ऑक्साइड और एनेस्थेटिक गैसेस हैं और एंटीनोप्लास्टिक ड्रग्स हैं, ये बेसिकली टॉक्सिन्स हैं सारे, और एल्डिहाइड लाइक ड्यूरिंग लाइक अगर हम लोग प्रोडक्शन है वुड की है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, और क्लिनिकल लैबोरेटरीज में वगैरह भी यूज हो रहा होता है, ठीक है, और लाइक हम इनको पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, और इनके पर्सन में लाइक इन पर्सन में जिसकी डील कर रहे हैं इन प्रोडक्ट के साथ, तो बेसिकली ये उनमें इफेक्ट कर रहा है, और इसका एक्सपोजर का रूट क्या है, ये ओरल है, डर्मल है, ये बेसिकली इसके रूट है, और इसमें भी मेन अगर इसका करें तो इसकी वजह से भी लो बर्थ वेट है. इसके बाद बिस्फिनॉल ए है, बेसिकली ये केमिकल इंटरमीडिएट है ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का, ठीक है, और ये फूड में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी है, पैकिंग में लाइक पैकेजिंग में यूज हो रहा होता है, और इसकी बेसिकली इंजेशन है, और डर्मल इसकी भी अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, इसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज लाइक कंटिन्यूसली और फ्रिक्वेंटली मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, इसकी वजह से एग्रेशन है, हाइपर एक्टिविटी है इन फीमेल में और इन फीमेल चिल्ड्रंस में. पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर्स हैं, और ये बेसिकली इसकी एक्युमुलेशन हो रही है एनवायरनमेंट में, और ये फ्लेम के रिटार्डेंट मटेरियल्स होते हैं, और इनकी लाइक इसके प्रेजेंट किस में है, ये फर्नीचर में, टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और प्लास्टिक में, और बेसिकली इसमें लाइक इसका डायटॉमिक स्ट्रेंथ ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यूरिटी और डिलीवरीज हो रही है, लो बर्थ वेट है और स्टिल बर्थ है.
पर फ्लोरोकेमिकल्स हैं और बेसिकली केमिकल्स हैं यूज हो रहे हैं, मेन मेड है और इसमें बेसिकली कंपाउंड्स हैं, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट एप्लीकेशन में है। इनका बेसिकली यूज आपको बताना चाहिए कि इंडस्ट्रियल यूज है और ड्यूरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली जितनी भी यूटेंसिल्स हो रहे हैं उनमें इसका यूज हो रहा था, जैसे विद नॉन स्टिक सरफेस है और पैकेजिंग भी यूज हो रहा है, और इसमें बेसिकली ये वाटर रेजिस्टेंट होता है प्लेट्स में और फूड कंटेनर्स में, बैग्स में, और अगर हम रैप्स वगैरह यूज कर रहे हैं और रेड कम इंटू कॉन्टेक्ट विद फूड, लाइक आप कोई भी कवर यूज कर रहे हैं जिसका कॉन्टेक्ट हो रहा है फूड के साथ, बेसिकली इसका लिंक फूड से है और इसका लाइटली जनरल पॉपुलेशन एक्सपोजर है, ऑब्वियसली इंजेक्शन हो रही है और थर्मल कॉन्टेक्ट है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसकी वजह से रिड्यूस होगा बर्ड वेट। क्लोरेट बेसिकली यूज किस में हो रहा है, फायर बर्ड्स में और लीफ में, फर्टिलाइजर में है और इसकी कॉन्टेमिनेशन है ड्रिंकिंग वाटर भी है, फूड भी है और नॉन वाटर बेवरेजेस में हो रही है। बेसिकली अगर किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में है लाइक इस तरह की कोई भी एक्सपोजर है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा हेल्थ को, और इन्फेक्ट्स में ऑब्वियसली जब ड्रिंकिंग वाटर की कॉन्टेमिनेशन है उसमें बेसिकली मदर में इफेक्ट करेगी और मदर से इन्फेक्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं थ्रू ब्रेस्ट में, और बेसिकली ये इफेक्ट किसको कर रहा है, ये थायराइड फंक्शन को इम्पेयर करता है। स्मोकिंग इसके मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इफेक्ट बताए थे, बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये लाइक इसमें एक्टिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग है और बहुत है, लाइक एक्टिव स्मोकिंग में कोई भी पर्सन है वो डायरेक्टली स्मोकिंग कर रहा है, और पैसिव में आप किसी भी पर्सन के पास लाइक आप पर्सन के पास बैठे हो जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से आपके भी डायरेक्टली हेल्थ इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं, इंटरयूट्राइन ग्रोथ डिस्ट्रक्शन होगी और लो बर्थ वेट है, प्री टर्म डिलीवरीज है, और मेल की बात करें बेसिकली डिक्रीज करता है सीमन क्वालिटी को। पॉलीक्लोरिनेटेड बिस्फेनॉल्स हैं और ये लुब्रिकेट के यूज हो रहा है इसका एज एन इंसुलेटर्स है, बट इनकी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बैन कर दिया था इन 1970 में, बट अभी भी इसका यूज लाइक अगर हम फिश इंडस्ट्री की बात करें, जितनी भी हमारी फार्मिंग हो रही है फिश की उसमें यूज हो रहा है, और बेसिकली फिश अगर डायरेक्टली एक्सपोज है और उसकी वजह से इंजेक्शन अगर कोई भी पर्सन कंज्यूम करता है कंटेमिनेटेड फिश को उसमें अफेक्ट होंगे, और बेसिकली ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स है, बिहेवियर्स है इसकी इफेक्ट है, और ये BMI को इंक्रीज करता है और IQ लेवल को इंक्रीज करेगा, ब्रेन में बेसिकली ये अफेक्ट करता है। टोलियन बेसिकली इसका एक्सपोजर थ्रू ब्रीथिंग है, ठीक है, और लाइक ये मेन इसका अगर हम रोड की बात करते हैं तो, और ये बेसिकली कंटेमिनेटेड एयर है, कोई वर्क प्लेस है और किसी पर्सन का कोई ऐसा ऑक्यूपेशनल लाइक उसकी ड्यूटीज है जिसमें उसका कंटेमिनेशन हो रही है, और फूड प्रोडक्ट्स में है, पेंट्स में है और नेल पॉलिश में है, और ये बेसिकली इसके सोर्सेस की बात हो रही है, और ये डिक्रीज कर देगा फिटल और बर्थ वेट, और इसी वजह से कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन और डिफेक्ट्स होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉक्सिन्स डिस्कस किए थे और रिमेनिंग आज डिस्कस किए हैं, और टॉपिक बेसिकली ओबेसिटी एंड एंडोक्राइन इश्यूज हैं, लाइक ओबेसिटी के इसमें अगर मेल एंड फीमेल ये दोनों अफेक्ट करते हैं, और लाइक इनकेस अगर मेल की बात करते हैं BMI हाई है, ओबेसिटी है उसमें लो, लाइक उसमें फर्टिलाइजेशन भी रेट को डिक्रीज कर देगा, लाइक मटर्नल अगर ओबेसिटी की बात करते हैं वो भी रेट को किसके कंसम्पशन के रेट को कम कर रही हैं, और रेट्स को लाइक कंजेनिटल एनोमलीज को इंक्रीज कर देगा और बर्थ रेट को और अफेक्ट करेगा। साइड इफेक्ट में जो बेसिकली अफेक्ट करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को, ऑब्वियसली मेन इसका स्टार्टिंग से ही ये साइड इफेक्ट इसके स्टार्ट हो गए,
और देन ये ओवुलेशन को अफेक्ट करेगा, एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा और इसमें इम्प्लांटेशन को लाइक ये इसके मेजर हेल्थ इफेक्ट है। और लाइक हमें पता है कि एंडोक्राइन की बात हो रही है उसमें डायबिटीज है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, ये भी इसकी वजह से हो रही होती है। और मेन लाइक ये भी एज ए डाइटिशियन और फिजिशियन इंस्ट्रक्शन देते हैं केस की आपने डायबिटीज है उसको कंट्रोल करें, और इसकी वजह से लाइक गेस्ट्रेशनल डायबिटीज के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ओवर वेट है उसकी वजह से गेस्ट्रेशनल डायबिटीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर एंडोक्राइन इश्यूज है, पीसीओसीज है, और ये बेसिक है, इसी तरह अगर ओवर वेट होगा उसकी वजह से हाइपरटेंशन है और देन इक्लैप्सिया प्रीक्लैप्सिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन के हो सकता है। और अगर बेबी है वो लो बर्थ वेट या प्री टर्म होगा, ओवर वेट होगा, उनमें फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज हेल्थ इफेक्ट होंगे। वेट लॉस है बेसिकली वो इम्प्रूव कर रहा है फर्टिलिटी को फॉर मेल एंड फीमेल में। लाइक हमारा फोकस जस्ट फीमेल में ओबेसिटी ज्यादा होगा लेकिन मेल को भी टारगेट करते हैं। अगर उनमें लाइक अगर डाइटरी पैटर्न इस तरह के हैं, लाइफ स्टाइल ऐसा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओवर वेट है, वो भी साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं। Then basically developing countries में rate है obesity के वो increase हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम developing countries की बात करें वहाँ पे obesity के like rate और prevalence ज़्यादा है। और like अगर हम बात करें कि 20 female है उसमें conception की rate low होगा, ठीक है, उसकी वजह से like uterine tube defect है, cardiovascular diseases होगी और left होगा, ठीक है, ये basically hydrocephaly होगी और reductions होगी। ये basic like in case अगर आपको obesity और इसके health consequences और female आए चाइल्ड बेयरिंग एज की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ओबीस फीमेल है उनकी रेशियो किन कंट्रीज में ज्यादा है और इसकी वजह से किन लाइक हेल्थ इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं चांसेस को। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझे लाइक पूछ सकते हो, यू कैन टेक्स्ट मी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको इशू है अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आपने अप्लाइड न्यूट्रिशन में भी और क्लिनिकल न्यूट्रिशन दोनों में इस टॉपिक को कवर करेंगे। डाइट न्यूट्रिशन में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे उनके कि वेट गेन है और बेसिक डेफिनेशंस पे और एज ए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन में इसको डिस्कस करेंगे।